के लिए एक अलाव है, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी का एपिसेंटर है। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कारकुन जो है वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें हमारे कैमरामैन ने यहाँ पे आ चुके हैं ऑफिस में, क्योंकि वो काफी देर तक नीचे पड़े रहे थे जख्मी हालत के अंदर। उनकी जो टांग पे आप देख सकते हैं, उनकी टांग काफी चोट आई है और टांग के वो अपनी टांग हिला भी नहीं पा रहे हैं। जो उनको यहाँ पे अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची है ताकि उनको यहाँ से हम लेके जा सके। हमारे जो ऑफिस के नीचे जो डीसीएनजी वैन है उसको भी तबाह कर दिया गया है, जो हाई रूफ है उसको भी तबाह कर दिया गया है। हमारे कैमरामैन यहाँ जो मौजूद है उनसे हम बात करते हैं। रान बताएं कि आपने क्या देखा वहाँ पे, क्या आपके साथ क्या हुआ है? बस हम नीचे फुटेज बना रहे थे, पीछे से लड़के आए, उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया, हम वो बना रहे थे। फिर उन्होंने जो है वो पुलिस वालों पर जो हमला किया तो हमें बोला कि कैमरा नीचे कर लो वरना कैमरा तोड़ देंगे। मुझे दो तीन चमाट मारे गुद्दी पे, उसके बाद पीछे पता नहीं क्या चीज मेरे मारी है टांग पे, तो मेरी टांग जो है वो सुन हो गई है, मुझसे ना खड़ा हुआ जा रहा ना चला जा रहा। देखिए ये आपने सुना रेहान के बारे में बता रहे हैं अपनी मुंहजबानी के, वो जख्मी हुए हैं और कैसे उनको मारा पीटा गया है। अब दोबारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुलिस और मदारी के दरमियान दोबारा फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे ऑफिस में फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, बाहर दोबारा से हम देख सकते हैं कि काफी खौफरत फैल गया है और दोबारा पुलिस ने यहाँ पे शेलिंग शुरू कर दी है और मुश्तरफा जो है वो फायरिंग भी कर रहे हैं। तो काफी गंभीर सूरत हो चुकी है धैना मार्केट के अतराफ में और हमारी बिल्डिंग में, लेकिन अभी तक यहाँ पे पुलिस की नफरी नहीं पहुंची है, हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है। बाहर फायरिंग की आवाजें दोबारा आना शुरू हो गई।